सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट के साथ अब नेताओं के दौरे भी तेज हो गए हैं। इसी बीच दो दिवसीय प्रवास पर पहली बार सतना आए जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह ने रैगांव उपचुनाव का बिगुल फूंक कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। प्रभारी मंत्री ने स्थानीय कार्यक्रम खत्म करने के बाद रैगांव विधानसभा के आमा गांव में सभा को संबोधित करने लाव लश्कर के साथ पहुंच गए। इस दौरान पहले तो मंत्री शाह ने दिवंगत रैगांव विधायक जुगल किशोर बागरी को श्रद्धांजलि दी। फिर प्रभारी मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि दिवंगत विधायक बागरी जी का कर्ज मुझ पर है, कुछ भी करना पड़े हम सबसे पहले रैगांव क्षेत्र में सिंचाई के पानी की व्यवस्था कर बागरी जी के सपनों को साकार करेंगे। अपने चिर परिचित अंदाज में मंत्री ने उद्बोधन में मंच पर ही एडीएम को बुलाया और स्थानीय जनता द्वारा दिए गए आवेदन ज्ञापन को सौंप दिया और कहा कि कलेक्टर एसपी जिला पंचायत सीईओ सोमवार को इन पत्रों को टीएल बैठक में समीक्षा करेंगे और रात में मेरे सोने के पहले फोन लगाकर मुझे बताएंगे। कलेक्टर महोदय के वहाँ एक बाबू जो बड़ा समझदार हो, ऊपर की मंजिल में चलती हो और वो सारे कंप्यूटर में डाले, हमको बताए क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। विकास के मामले जो यहाँ नहीं हो सकते भिजवाए और हर सोमवार जो जनता मुझे दे रही है इसकी कलेक्टर पीएल बैठक में समीक्षा करेगा। समीक्षा करने के बाद कलेक्टर एसपी और जिला पंचायत सीओ रोज सोमवार को मेरे सोने के पहले बात करेगा, बता देना। कलेक्टर महोदय के वहां एक